Today we are discussing about evolution of human and his development, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। वैसे देखा जाए तो examination view of point से ये बहुत बड़ा important chapter नहीं है, क्योंकि अभी से exam में questions कम आते हैं। लेकिन हम history मानव और मानव के द्वारा समाज में क्या योगदान किया गया, इसी को हम पढ़ते हैं। मानव कैसे आगे बढ़ के समाज बनाता है, स्टेट राज्य बनाता है, और चूंकि मानव के ही इतिहास को हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि स्टोन एज या फिर हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मानव की उत्पत्ति एवं इसके विकास को समझ लिया जाए। तो आइए समझते हैं मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, अगर इस वाक्य को देखा जाए तो इसमें दो शब्द मिलते हैं, पहला एक उत्पत्ति है और दूसरा विकास है। तो पहले हम उत्पत्ति को समझते हैं कि मानव कब उत्पन्न होता है। तो मानव पृथ्वी के जो भी वर्ष रहा है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी को माना जाता है, पृथ्वी को 5 अरब वर्ष पूर्व का माना जाता है, 5 अरब BC। ठीक है, कहीं कहीं 4.6 भी मिलता है। तो अगर हम पृथ्वी के सॉरी भूगर्भिक इतिहास के बारे में जाने, तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को 5 एरा में बांटा गया है। ठीक है, और उसी में हम उसी एज में हम समझेंगे कि मानव की उत्पत्ति कब होती है। तो पृथ्वी के 5 एरा जो बांटा गया है वो है, फर्स्ट है प्री पेलियोजोइक, दूसरा आता है पेलियोजोइक, तीसरा आता है मेसोजोइक, चौथा आता है सेनोजोइक, पांचवा आता है नियोजोइक। इस 5 एरा को अगर देखा जाए तो सीनोजोइक एरा में ही मानव का उदय होता है, क्योंकि ये 5 एरा हो गए। इस एरा को हम लोग 4 युग में बांटते हैं, और युगों को फिर अलग अलग कल्प में बांटा जाता है। तो सीनोजोइक को देखते हैं, इसे इसमें कोई युग नहीं रहता, इसके युग को प्राथमिक युग, ये सेकेंडरी है, और इस युग को तृतीयक युग कहते हैं, तथा इसे इसके अलावा टर्शियरी युग कहते हैं, टर्शियरी युग कहते हैं। इसी युग में, अगर मैं ये पूरे को छोड़ दिया जाए, सिर्फ इसी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि सबके अलग अलग कल्प और शक है, अगर इसे बताएं लोगों तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये टर्शियरी युग में कुछ कल्प है, आइए कल्प को समझते हैं। ये पहला प्लेयोसीन, सॉरी पेलियोसीन, दूसरा है ईओसीन, तीसरा है ओलिगोसीन, चौथा है मियोसीन, और पांचवा है प्लायोसीन। तो मानव का जन्म सेनोजोइक एरा के टर्शियरी युग में प्लायोसीन काल में हुआ था। यह करीब माना जाता है
कि 1.1 करोड़ बीसी का रहा होगा। इस पेलियोसीन में देखा जाए तो इस पेलियोसीन में स्तनधारियों का एक नया समूह बनता है जिसे हम लोग प्राइमेट कहते हैं। स्तनधारियों का ऐसे जन्म तो मेसोजोइक काल में ही हो जाता है, जब हम पढ़ेंगे उसमें कल्प में जुरैसिक में डायनासोर का जन्म होता है, कंगारू का जन्म होता है, उसी समय स्तनधारियों का एक जन्म हो जाता है। लेकिन पेलियोसीन में आकर एक स्तनधारियों का एक विशेष समूह होता है जिसे हम लोग प्राइमेट कहते हैं। प्राइमेट में चार लोगों को जोड़ा गया है, जिसमें है कपी या बानर, उसके बाद आता है चिंपैंजी, फिर आता है इसमें गोरिल्ला, फिर आता है औरंग उटान, ये चार आता है। और इसी का डेवलपमेंट आगे चलकर मानव बनता है, कपी आगे डेवलप होके मानव बनता है। इस युग में आता है स्तनधारियों का एक नया समूह तैयार होता है जिसे हम लोग प्राइमेट कहते हैं। ईओसीन में अगर आप देखेंगे तो ईओसीन में ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ने के मिलेगा, ईओसीन में ट्रांस हिमालय का जन्म होता है, ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय का, मियोसीन में लघु हिमालय का, और प्लायोसीन में शिवालिक श्रेणी का जन्म होता है। और इसी श्रेणी में हम लोग मानव की उत्पत्ति भी होती है। तो अब आइए समझते हैं, हम मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में होती है, लेकिन अगर इंडिया के संदर्भ में देखा जाए, ये वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं कि मानव का जन्म इसमें, लेकिन इंडिया में जब हम आते हैं तो इंडिया में जन्म होता है, या ऐसा माना जाता है कि इंडिया में मानव की उत्पत्ति नियोजोइक काल में होती है, और वो काल था इसके जो कल्प है उसका प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन में इसके दो कल्प है, एक प्लीस्टोसीन है और एक होलोसीन है, ठीक है। होलोसीन में आगे मैं बताऊंगा, होलोसीन में ही हाथी घोड़े और अन्य जानवर का भी जन्म होता है। तो खैर, तो इस एज में आकर 1.1 करोड़ बीसी के आसपास में मानव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब आते हैं हम मानव के विकास के बारे में। मानव का विकास कपी के रामापिथिक से होता है, मतलब कि अगर देखा जाए तो कपी के बाद रामापिथिक्स आते हैं विकास। रामापिथिक्स आते हैं, पिथिकस आते हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस आते हैं, इसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस, इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, इसके बाद आते हैं क्रोमैग्नॉन, इसके बाद आते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, इस होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच में भी एक आता है हिडलबर्ग मानव, लेकिन हिडलबर्ग मानव को मैंने इसलिए छोड़ दिया कि इनकी उत्पत्ति वैसे भी नॉर्मल यूरोप में हुई थी और इनका कोई समाज में योगदान नहीं था, यूरोप में ही ये नष्ट भी हो गए थे, इसलिए हिडलबर्ग को छोड़ देते हैं। होमो हैबिलिस पे आते हैं, रामापिथिक्स को हम लोग आदि पूर्वज कहते हैं, मानव के आदि पूर्वज के तौर पे रामापिथिक्स को कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलोपिथिक्स को भी मानव के आदि पूर्वज के रूप में माना जाता है। अगर क्वेश्चन में रामापिथिक्स और ऑस्ट्रेलोपिथिक्स दोनों हो तो रामापिथिक्स होगा, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स अगर हो तो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स होगा। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स को हम आदि पूर्वज इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव के द्वारा
या कपी के द्वारा विकास की निरंतरता ऑस्ट्रेलोपिथिक से पाई जाती है, क्योंकि यहां से जब ये लोग डेवलप होना शुरू हुए तो फिर ये लोग बैक नहीं आए, यही से वो आगे बढ़ते गए हैं और आगे बढ़ बढ़ के इन्होंने हाथ का प्रयोग किया, औजारों का प्रयोग किया, आग की खोज की और आगे चलकर इन्होंने समाज और संस्कृति को डेवलप किया। तो रामापिथिक्स को देखा जाए तो रामापिथिक्स के दो दल थे, या मान लीजिए दो दल रहे होंगे। एक जो था समूह वो मैदानी इलाकों या यूरोप की तरफ बढ़ गया और दूसरा वही अफ्रीका में रह गया, जंगलों में, उष्णकटिबंधीय जंगलों में रह गया। तो ये जो मैदानी इलाकों में आगे बढ़ गए, इन्होंने ही आगे बढ़कर डेवलपमेंट शुरू किया और ऑस्ट्रेलोपिथिक्स पे आए। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो था, आइए अब ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के बारे में समझते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो था, इस समय तक मानव अपने हाथों को फ्री नहीं कर पाया था, ये अभी भी चार पैरों से चलते थे और चार पैरों के चलने के कारण अभी इनकी क्षमता उतनी नहीं बढ़ी थी, ये अभी भी पेड़ों और पंद्राओं में किसी तरीके से रहते थे। दूसरा, इस ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के अस्थि पंजर को या फिर एक खोपड़ी मिली थी, सबसे पहला ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की खोपड़ी मिली थी जो दक्षिण अफ्रीका के टोंग नामक जगह पे मिली थी, एक दक्षिण अफ्रीका एक प्रांत है ट्रांसवाल, वहीं पे एक जगह है टोंग, वहीं पे सबसे पहला रेमन डाट 1925 में टोंग नामक जगह पे इसकी खोपड़ी प्राप्त की थी, इसकी खोपड़ी प्राप्त की थी। उसके बाद आता है होमो हैबिलिस, ये पहला मानव जो था, इसको जरा साफ कर देते हैं, होमो हैबिलिस, ये मानव जो था सबसे पहले हाथों को अपने पैरों से फ्री किया, मतलब कि पूरी तरीके से फ्री नहीं हुआ, पूरी तरीके से फ्री हम आगे आने वाले मानव पूरी तरह से फ्री करेंगे, लेकिन इन्होंने हाथों को अपने से फ्री कर लिया। जैसे कि मान लीजिए ये पैर है तो ये लोग इतने दूर तक अपने हाथों को, हाथ ये खड़े हो गए सीधे और यहां तक अपने शरीर को खड़ा कर लिया। आगे चलकर हम देखेंगे जावा मानव जो है उसने अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे फ्री कर लिया और सीधे खड़े हो गए। आगे चलकर अभी होमो हैबिलिस जो है वो इस तरीके से फ्री हुआ था, उनका हाथ फ्री हुआ था, पूरी तरीके से खड़े नहीं हुए थे, लेकिन हाथों का इन्होंने अपने हाथों को फ्री कर लिया, मतलब कि हाथों का प्रयोग इन्होंने शुरू कर दिया था, प्रयोग शुरू कर दिया। दूसरा, इन्होंने औजार भी बनाए। तीसरा आता है होमो हैबिलिस के बाद, एक बीच में मैंने बताया था एक हिडन वर्ग आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर देता हूं। ये यूरोप में विकसित हुए थे और यूरोप में इनका योगदान कोई नहीं रहा और यूरोप में ही ये लोग, इनका अंत भी हो गया। इसके आगे आते हैं हम होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्ट्स, ये मानव आकर अपने रीढ़ के हड्डी को सीधा कर लेते हैं और ये बिल्कुल सीधा हो जाते हैं। होमो इरेक्ट्स की दो प्रजातियां हैं, एक है पिथेगैंथ्रोपस जिसे जावा मानव भी कहा जाता है और एक जो है ये कहलाता है सीनेंथ्रोपस,
जिसे पीकिंग मानव भी कहा जाता है। पीकिंग मानव ये जावा मानव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि 1891 ईस्वी में 1891 एडी में एक दल के द्वारा इनके इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में एक नदी है सेलो नदी और एक ग्राम है टिलिंग ग्राम। एक इंडोनेशिया के जावा द्वीप के में एक नदी है सेलो नदी और एक ग्राम है टिलिंग ग्राम। वहीं पे इस मानव का जावा मानव का सबसे पहले जबड़े के ऊपरी हिस्सा प्राप्त हुई थी और पैरों का जांघ के हिस्सा प्राप्त हुआ था, हड्डी प्राप्त हुई थी। इन दोनों के सर्च के बाद ये पता किया कि ये उन लोगों की हड्डियां रही होगी जो सीधे खड़े होंगे, उन लोगों की हड्डियां रही होगी। इसके साथ एक और विशेषता है, इन्होंने सबसे पहले आग का भी इस्तेमाल किया। सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। ठीक है, इनका आयु काल माना जाता है करीब करीब बीसी से 60,000 बीसी से 40,000 बीसी तक इसका माना जाता है। ये ऐसे मानव थे जो अपने ही प्रजाति को मारकर खा जाते थे, जैसे कि जावा मानव है तो ये जावा मानव को ही मार के खा जाया करता था। मतलब कि ये एक तरह से नरभक्षी भी था और ये पूरी तरीके से भी मानव नहीं बना था, इसमें अभी भी बानरों का गुण था, जैसे कि बालों का बहुत घना होना, चेहरे पे पूरी तरह से दाढ़ी होना, पूरी तरह से बाल होना, हाथों पे बाल होना, सही पे बाल होना, मतलब अभी भी इसमें बंदर के गुण मौजूद थे, बानर के गुण मौजूद थे। फिर पीकिंग मानव जो है ये भी इनका स्वभाव और इनका स्वभाव दोनों एक ही तरह था, एक ही तरीके से था। चूंकि ये पीकिंग के बगल से एक घाटी से प्राप्त हुए थे इसलिए इनका नाम पीकिंग मानव किया गया। और ये जो है पीकिंग मानव जावा मानव से ज्यादा स्ट्रांग थे, मतलब कि ये और अच्छे से खड़े हो गए थे और अपने हाथों को पूरी तरीके से फ्री कर लिया था, खुलकर प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, औजारों का ये बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए पीकिंग मानव। फिर अब आते हैं होमो इरेक्टस के आगे। होमो इरेक्टस के आगे आता है नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव ये जर्मनी के नियंडर नदी घाटी में इनके अवशेष पाए गए हैं, इसलिए इस मानव का नाम रखा गया था नियंडरथल मानव। इसके उम्र को माना जाता है कि करीब करीब ये 1,60,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक ये रहे होंगे। और यही मानव है जिसने सबसे पहले आग का उपयोग बहुत ही खुले तौर से करना शुरू कर दिया था। एक यही मानव है यही मानव है जिसने सबसे पहले कल्चर को डेवलप किया। कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले फैमिली को बसाया, समाज को बसाया, ग्रुप में रहने लगे, ग्रुप में शिकार करने लगे और क्या वो ये ऐसा होने लगा कि जैसे कि बच्चे जो है वो घरों में रह जाते थे, महिलाएं घरों में रह जाती थी और ये बाहर शिकार करने जाते थे। इनके अगर घाटियों को देखा जाए अच्छे तरीके से तो इनमें कुछ अक्षर भी मिलते हैं, भले ही पता नहीं वो अक्षर इनको अपने ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि क्या, लेकिन इनके गुफाओं में अक्षरों के भी कुछ मिलने के संकेत मिलते हैं, जैसे कि उनको अक्षरों का ज्ञान हो। ये अपने सगे संबंधियों को अब कब्र में दफनाने लगे, पहले ऐसे फेंक दिया जाता था लेकिन ये अब अपने सगे संबंधियों या फिर ये अपने बच्चों को कब्र में दफनाने लगे थे, मतलब कि और उसी कब्र में ये लोग फूल को रख दिए, फल को रख दिए, मतलब कि कब्र में कुछ फल और कुछ और चीजों को रख के दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे कि इन्होंने ही सबसे पहले ये परलौकिक दुनिया के बारे में समझाया, या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब उन्होंने उस कब्रगाह में रखना शुरू कर दिया फल वगैरह
तो ये माना जाता है कि वो ये ऐसे व्यक्ति परलौकिक दुनिया में विश्वास करते हैं। फिर नियंडरथल मानव के बाद आता है क्रो मैग्नॉन मानव, क्रो मैग्नॉन मानव। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो विलक्षणता थी, इनका जो ब्रेन था, ये होमोसेपियन से ज्यादा था। इनका योगदान कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद होमोसेपियंस का जन्म हो जाता है। होमोसेपियंस का होमोसेपियंस का जन्म होता है, और ये माना जाता है कि ये करीब 30,000 BC के आसपास इनका जन्म होता है। इनके जन्म के साथ ही मानव अपने विकास के क्रम में सबसे ऊपर आता है, आग का उपयोग पूरी तरीके से करने लगता है। आगे चलकर आप देखेंगे यही पशुपालन करता है, एग्रीकल्चर करता है, पॉट्स बनाता है, और समाज और संस्कृति को एक नया मोड़ प्रदान करता है। छोटे छोटे गांव और बस्तियां बसाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं से अपने स्टोन एज का शुरुआत करेंगे, भारत के स्टोन एज के बारे में शुरुआत करेंगे। ये होमोसेपियंस जो है, हम लोग आगे बताएंगे भाई इसमें कि ये पाषाण काल के जो पूर्व पाषाण काल है उसका जो अंतिम हिस्सा है, उच्च पूरा पाषाण काल, उसी का ये हिस्सा है। 30,000 BC उसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मैं आगे आप लोगों को स्टोन एज के बारे में बताऊंगा। ये मैं मानव की उत्पत्ति थोड़ा समझा दिया ताकि आप लोग अच्छे से इसके बारे में समझ जाए, और आगे हम लोग अब स्टोन एज की चर्चा करेंगे। थैंक यू।